लेकिन मिश्रा जी, जिस तरीके से महामुकाबला लगातार जारी है, मतदान किया जा रहा है और समीकरण क्या कुछ बन रहे हैं उपचुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में, आपके मुताबिक क्या कुछ इस बार नतीजे आ सकते हैं? मैम देखिए, यहाँ पे दो फैक्टर काम करते हैं। जैसे 2014 में तो लहर थी, तो दोनों जगह ये लोग जीत गए थे। गोरखपुर में मैं बोल सकता हूँ कि बीजेपी के लिए अच्छे परिणाम रहेंगे, क्योंकि महंत अवैधनाथ के बाद से लगातार जो वहाँ पे वोटर्स हैं वो उनकी अपनी, योगीनाथ जी की या महंत अवैधनाथ जी की अपनी हार्ड कोर अर्न्ड वोटर है, उनका अपना बेस वहां पे बना है। अगर वो निर्दलीय भी लड़ेंगे तो जीत जाएंगे जी। फूलपुर की सीट का अगर आप देखेंगे तो बीजेपी यहां पे कभी भी नहीं थी, समाजवादी पार्टी थी, उसके पहले जो है कांग्रेस वहां करती थी। और फूलपुर में अगर आप हिस्टोरिकल वोट स्विंग की स्टडी भी करेंगे तो बड़े मार्जिनल उससे जो है यहाँ पे हेर फेर होता रहा है। और फूलपुर में जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो बाहरी हैं, ये भी एक फैक्टर है। तो फूलपुर का मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। और दूसरा मेन फैक्टर यह है कि बाई इलेक्शंस में जो मेन पार्टियां होती हैं, स्पेशली बीजेपी, उतना इंटरेस्टेड नहीं होती है। ये केवल योगी जी और मौर्य जी का अपनी अपनी साख के लिए ये प्रयत्न है। गोरखपुर के लिए मैं निश्चित रूप में कह सकता हूँ कि रिजल्ट बीजेपी के फेवर में रहेंगे, लेकिन फूलपुर के लिए थोड़ा सा जो है देखना पड़ेगा कि क्या होगा। यहाँ पे उतना जो है कोई नहीं बोल सकता है बीजेपी के लिए। बिल्कुल। और एके मिश्रा जी, सवाल यहाँ पर ये भी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को बसपा ने समर्थन दिया है, यहाँ पर जो कुछ भी नतीजे आए दोनों ही सीटों पर, क्या इस गठबंधन को आगे तक के लिए ले जाया जाएगा, यानी कि 2019 के लिए गठबंधन काम आएगा? मैम देखिए, अगर इनको देखा जाए, 2019 की अगर बात किया जाए तो विपक्ष में जैसे चर्चाएं भी चल रही है, और क्योंकि भाजपा देखिए पूरे देश के लेवल पे, राष्ट्र लेवल पे इतना प्रखर होके, इतना मजबूत होके उभरा है, और इन लोगों को अगर देखिए 2019 का चुनाव अपना अस्तित्व बचाने का चुनाव होगा, तो केवल ये दोनों की ही बात नहीं, मैं सारे विपक्ष की बात करूं तो इनके पास गठबंधन के सिवा और कोई रास्ता नहीं होगा, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां इतनी कमजोर हो चुकी है। भाजपा ने धीरे धीरे उनको इतना कमजोर कर दिया, 2014 में देखिए एक सीट, दो सीट या सीट ही नहीं है पूरे स्टेट में, ये हालत है। तो कैसे भी करके अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इनके पास जो एक विकल्प है वो केवल वो एक गठबंधन का है, और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे ऐसे लोग आपस में मिल जाएंगे जो कभी एक दूसरे का मुंह नहीं देखते थे, कट्टर दुश्मन थे, जैसे समाजवादी पार्टी और बसपा। ये उसकी एक झलक है कि अस्तित्व बचाने के लिए लोग क्या क्या कर सकते हैं पॉलिटिक्स में। जी, एके मिश्रा जी, ये यहाँ पर साफ तौर पर इस बात की तस्दीक करता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, जो उस पार्टी की लहर, ये कहीं ना कहीं डर और असहज की भावना विपक्षियों के दिल में पैदा कर देती है कि यहाँ पर धुर विरोधी भी आपस में मिल जाते हैं। नहीं मैम, इसके पहले भी देखिए पॉलिटिक्स में अपने अपने स्वार्थ के लिए जो है, अगर आप हिस्टोरिकल उसमें देखेंगे ग्लोबल लेवल पे भी, तो कई बार लोग मिले हैं, आपस में मिल चुके हैं, धुर विरोधी या घोर। यूपी इलेक्शन में देखिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने हाथ मिलाया था, तो कांग्रेस में कोई ऐसा मर्यादा, कोई वो नहीं होता है परमानेंट। नो वन इज फॉक्स, नो वन इज फो, परमानेंट वे पे कोई भी मित्र या दुश्मन नहीं होता। जो बात आपने ये बोली कि बीजेपी का, डेफिनेटली बीजेपी ने 2014 से लेके उसके बाद बहुत ही स्ट्रेटेजिक वे में काम किया है, और ये चीज 2014 में ही मैंने बहुत सारे समाचार पत्रों के माध्यम से लिखा था कि अब जो लड़ाई हो रही है ये अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। जो जीतेगा और जो हारेगा उसका अस्तित्व ही मिटता चला जाएगा, और यही हो रहा है। और यही रीजन है कि 2019 के लिए अभी से जो है सारे जितने धुर विरोधी हैं सब लोगों ने अपना अपना ग्रुप बनाना शुरू कर दिया है। जी, बहुत शुक्रिया एके मिश्रा जी आपका हिंदी खबर से बातचीत करने के लिए।